फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे। और यहाँ देखिए, मैं बना रही हूँ अंडे की बिरयानी। और यहाँ देखिए, जो मसाले होते हैं वो मैंने कट करके रख लिए हैं। प्याज, टमाटर, आलू, मटर। और यहाँ कुकर भी चढ़ा दिया है मैंने गैस पर, और गैस पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। और उसके बाद उसमें जीरा ऐड करूँगी। और इसमें देखिए, मैंने जीरा ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। और आज इसमें मैं तेज़पत्ता ऐड करूँगी और दो लौंग। तो और उससे पहले मैं इन अंडों को फ्राई कर लूँगी ऑयल में, क्योंकि इनको फ्राई करने ज़रूरी होता है। और मैं एक एक करके इनको इसमें ऐड कर दूँगी और आराम से धीरे धीरे चलाती रहूँगी इनको धीरे धीरे से, क्योंकि चटकते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऊपर आके तेल ना गिर जाए। तो मैं इनको ढककर पका मतलब तल रही हूँ, और इसी तरह से मैं इनको तल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया था पहले, अब तो हल्का सा और ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ तेज़पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, साबुत खड़े मसाले जो होते हैं, पर हम इस टाइम काढ़ा भी पी रहे हैं तो मैं कम ही मसाले खड़े इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ देखिए, मैंने प्याज को तल लूँगी अच्छे से और इसको सुनहरा होने तक भून लूँगी फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। और बिरयानी किस किस को अच्छी लगती है फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं कभी भी अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि वो ये सब खा लेते हैं। और यहाँ मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और टमाटर और आलू ये सब मैं ऐड कर दूँगी इसमें। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, और मसालों में मैं ले लूँगी नमक, मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इनको अच्छे से मैं भून लूँगी पहले ऑयल में। और ऑयल में भूनने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको अच्छे से गला लूँगी, और फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। और ये देखिए, इसमें मैंने अपने स्वाद के अनुसार के कितना मुझे स्पाइसी रखना है, तो वहाँ मैंने मिर्च ऐड कर दिए हैं, धनिया ऐड कर दिया है, इसके बाद नमक अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी मैं, और हल्दी पाउडर। और इनको अच्छे से मैं ढककर पका लूँगी, और चुटकी सा पानी करूँगी इसमें, क्योंकि बगैर पानी के ये मसाला सूखने लगता है, और उससे उसके बगैर ये पकेंगे नहीं। और यहाँ देखिए, मैंने फ्रेंड्स पानी भी ऐड कर दिया थोड़ा सा, इनको मैं पका लूँगी 5 मिनट के लिए ऐसे ही। और इसमें फिर आपसे चावल ऐड करूँगी मैं, और इसको मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और मसाला देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पक भी गया है, तो मैं इसके बाद चावल ऐड कर दूँगी इसमें। और कोई भी वैसे चावल नहीं है, मैंने सादा चावल लिए थे वही मैं बना रही हूँ, और वही खाने में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये चावल।
तो ये देखिए मैंने चावलों को ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से चलाकर इनमें पानी कर दूंगी मैं, जितना मुझे चाहिए पानी। और यहाँ देखिए मेरे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं बिरयानी। और मैंने अंडों को ऐड करा था, प्लीज़ वो क्लिप डिलीट हो गई, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और यहाँ देखिए मेरी बनकर बिरयानी रेडी हो गई है, तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स। और इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है फ्रेंड्स। और जैसे हम चावलों को छोंकते हैं, सिर्फ इसमें अंडे ऐड करने होते हैं, बाकी सादा सिंपल ऐसे ही बनाना होता है हमें। स्पाइसी अपने ऊपर होता है कि हमें कितना स्पाइसी रखना है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने ये रख दिए हैं प्लेट में, और प्याज जो कट करके रख दी है। और आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।